भाजपाने काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींवर उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे दोन हजार चार मध्ये राहुल गांधी यांना आपल्या नामांकन अर्जात पंचावन्न लाख रुपये संपत्ती सांगितली होती दोन हजार चौदा मध्ये त्यात वाढ होऊन ती नऊ कोटी रुपयांची कशी झाली इतकी मोठी वाढ कशी झाली त्यांच्या कमाईचं एकमेव साधन म्हणजे ते खासदार आहेत ते डॉक्टर नाहीत किंवा वकीलही नाही असे भाजपाचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी म्हटले जमीन व्यवहार फार्म हाऊस पासून मिळणारे भाडे आणि एका संपत्तीच्या व्यवहारास त्यांनी प्रश्न उपस्थित करताना काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांना मानहानीचा खटला दाखल करण्याचे आव्हानही दिलं आहे दिल्लीतील महरोली येथील एका फार्म हाऊस वरून संबित पात्रा यांनी आरोप केले आहेत ते म्हणाले की सुमारे पाच एकर जमीन आहे याची मालकी राहुल आणि प्रियंका गांधी यांच्याकडे आहे इंदिरा फार्म हाऊस असं नाव आहे दोन हजार तेरा मध्ये फायनान्शियल टेक्नॉलॉजी इंडिया लिमिटेड नावाच्या एका कंपनीला भाड्याने देण्यात आले होती महिना सात लाख रुपये भाड्याने हा फार्म हाऊस देण्यात आला होता पहिल्यांदा यासाठी चाळीस लाख वीस हजार रुपये आगाऊ घेण्यात आले ही रक्कम व्याजमुक्त होती या व्यवहारावरच पात्रा यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे आगाऊ रक्कम देऊन यावर व्याजही न घेणे कसे शक्य असं त्यांनी म्हटलं आहे सात ते दोन हजार आठ आणि दोन हजार बारा ते दोन हजार तेरा ते पर्यंत तीन कोटी रुपयांचं उत्पन्न घेतलं पण जिथे कोणी राहत नव्हते तिथे दोघे भाऊ बहिणच राहत होते राहुल गांधी यांनी आपल्या शपथपत्रात या फार्म हाऊसची किंमत नऊ लाख रुपये सांगितली आहे विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है इट्स अ वेरी सीरियस दैट वी आर गोइंग टू ब्रीफ यू इन दिस इज अबाउट द एसेट्स ऑफ अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट हिंदुस्तान की राजनीति में राहुल गांधी जी किस प्रकार के एसेट हैं वो हम सब जानते हैं और कई बार उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में भी बताया गया है किस प्रकार उनके एसेट्स में लगातार बढ़ोतरी हुई है उस विषय में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है और सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इलेक्शन सीजन चल रहा है लोग नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं इलेक्शन एफिडेविट्स भरे जा रहे हैं नॉमिनेशन भरे जा रहे हैं लेट मी टेल यू पीपल दिस टाइम इन द कंट्री एंड भारतीय जनता पार्टी इन पर्टिक्युलर विल कीप अ टेलीस्कोपिक व्यू ऑन द नॉमिनेशन ऑफ मिस्टर राहुल गांधी जब वो पता नहीं वो कहाँ से लड़ेंगे आज तो हमने देखा कि शायद अमेठी से भी जा सकते हैं कहीं और जाने की प्लान कर रहे हैं डरे हुए हैं जहां से भी नॉमिनेशन भरेंगे हम एक टेलीस्कोपिक व्यू उनके नॉमिनेशन के ऊपर रखेंगे क्योंकि जो खुलासा हम अभी करने वाले हैं वो बहुत गंभीर है और ये सारे खुलासे कुछ तो हमने तथ्यों को मीडिया के माध्यम से कुछ कोर्ट से और कुछ विसल ब्लोअर से लिए हैं और उसको कोलेट किया है जो एफिडेविट राहुल गांधी जी ने 2004 में 2009 में और 2014 में भरे थे दिस इज अबाउट फोर वेस थ्रू विच मिस्टर राहुल गांधी हैज इंक्रीज हिज एसेट्स चार तरीकों से उन्होंने एसेट्स को बढ़ाया है पावा के विषय में आपने देखा था कि लैंड डीलिंग्स ड्यूबियस लैंड डीलिंग्स हुई थी और पावा नामक व्यक्ति एचएल एल पावा उसके विषय में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था दूसरा फार्म हाउस इसमें राहुल गांधी और उनकी बहन श्रीमती प्रियंका वाड्रा दोनों संलिप्त हैं उस विषय में बताया जाएगा कि किस प्रकार उनके फार्म हाउस से पूरी तरह से करप्शन चलता था